चैनल। सो फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ और एक न्यू वीडियो लेके। एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। एंड आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक देख के पता चल रहा होगा कि मैं ये कौन सा मेकअप लुक क्रिएट की हूँ। जी हाँ गाइज, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोरियन मेकअप लुक, जो कि ये वाला मेकअप लुक है। मैं इस मेकअप लुक को आप लोग के सामने क्रिएट करूँगी एंड दिखाऊँगी कि मैं इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट की हूँ। एंड आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है उनका नेम है फतमा रशीद। सो डियर, आई होप आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। एक्चुअली कोरियन मेकअप लुक के बारे में मुझे खास कुछ नॉलेज नहीं था, बट मुझे मन था कि मैं आप लोग के साथ कोरियन मेकअप लुक शेयर करूँ। मैं सोची थी एक बार एंड उसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ गया था कि दी आप कोरियन मेकअप लुक शेयर करो, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे कोरियन मेकअप लुक आप लोग के साथ शेयर करना ही है। इसीलिए मैं बहुत सारा कोरियन मेकअप वाला वीडियो देख ली हूँ। एक्चुअली कोरियन लोग हम इंडियन से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, स्पेशली उन लोग का जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, फ्लॉलेस स्किन होता है उन लोग का, जो कि हम लोग जिसे बोलते हैं ग्लास लाइक स्किन, तो उस टाइप्स का स्किन कोरियन लोग का होता है। एंड उसके साथ साथ उन लोग का जो कम्प्लेक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, तो हम इंडियंस कोरियन लोग जैसे नहीं दिख सकते। हम लोग जितना भी कोशिश कर ले उन लोग जैसा हम लोग नहीं दिख सकते हैं। एंड वो लोग जिस तरीके से मेकअप करते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है हम इंडियन से, मतलब हम इंडियंस लोग जिस तरीके से मेकअप करते हैं एंड कोरियंस लोग जिस तरीके से मेकअप करते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट है उन लोग का मेकअप करने का स्टाइल, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हम इंडियन से। सो मैं यहाँ पे जस्ट कोशिश की हूँ कोरियन लोग जैसे मेकअप करने की। सो प्लीज़ आप लोग मुझे जज मत कीजिएगा। ओके, सो चलिए गाइस अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लड़की इतना ज़्यादा बात क्यों करती है। पर क्या है गाइस, कुछ कुछ बात ऐसे होती है कि पहले से क्लियर कर देना इज़ इम्पॉर्टेंट, आई फील सो, नहीं तो कुछ लोग जजमेंटल हो जाते हैं, दैट्स वाई। एनीवेज, सो चलिए अभी फाइनली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले और एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी मैं कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक्चुअली इट्स अ रिक्वेस्ट, हर रोज़ की तरह आज भी मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा एंड उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए एंड आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। ओके, सो गाइज मैं अपनी स्किन को मेकअप के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली हूँ, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, इसे मैं बहुत अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। नाउ फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन इन द शेड 118। ये जो फाउंडेशन है ये एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है एंड इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। सो इस फाउंडेशन को मैं अपनी फेस एंड नेक पे इस तरह से अप्लाई करके एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नाउ कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का पेन कंसीलर। इस कंसीलर को मैं अपने अंडर आई एरिया और आई लिड्स पर अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। एक्चुअली कोरियन जो लोग होते हैं वो लोग कुछ इस तरीके से ही मेकअप करते हैं, उन लोग का आई एरिया जो होता है वो बहुत अच्छे से कंसील किया हुआ रहता है। एक्चुअली उन लोग का जो कम्प्लेक्शन है एंड स्किन टाइप है वो बहुत ही सुंदर होता है, इसीलिए एज सच कुछ दाग धब्बा उन लोग के स्किन पर नज़र नहीं आता है। ओके, इसके बाद मैं इस पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का बी माई सेल्फ UHD कॉम्प्रेस पाउडर। इससे मैं अपनी मेकअप बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ।
नाउ कमिंग टू द आईब्रोज, मैं यहाँ पे मिसकेयर का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। एंड कोरियन लोगों का जो आईब्रो होता है वो हम लोग की तरह नहीं होता है, उन लोगों का आईब्रोज छोटा सा होता है एंड कुछ स्ट्रेट टाइप का होता है। सो उसी तरीके से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे आईब्रोज में जो आर्च है वो समझ में ना आए। आईब्रोज़ को फिल कर लेने के बाद मैं अपने आईब्रोज़ को कोम करूँगी एंड आईब्रोज़ को कोम करते वक्त मेरे आईब्रोज़ में जो हेयर है उनको नीचे की तरफ लेते हुए कोम करूँगी ताकि मेरा आईब्रोज़ में जो आर्च है या कर्व है वो समझ में ना आए एंड मेरा आईब्रोज़ थोड़ा सा स्ट्रेट दिखे कोरियन लोग जैसा। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का ब्लशर पैलेट। इस पैलेट में से ये जो पिंक कलर है इसको मैं अपने फिंगर से पिक करके अपनी आईलिड पर इस तरह से प्लेस कर दूँगी एंड नीचे की तरफ भी इस तरह से प्लेस करूँगी। कोरियन लोग कुछ इस तरीके से ही अपना आई मेकअप करते हैं, मैं वीडियोज़ में देखी हूँ तो आई एम फॉलोइंग दैट थिंग ओनली। सो इस तरह से मैं अपनी आईलिड्स के साथ साथ लोअर लैश लाइन पर भी इस कलर को प्लेस कर दूँगी। नाउ फिर से इस ब्लशर पैलेट में से ये जो डार्क पिंक कलर है उसको पिक करूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से एंड देन कुछ इस तरह से प्लेस कर दूँगी, क्योंकि कोरियन लोग कुछ इस तरीके से ही आई मेकअप करते हैं, मैं देखी हूँ इसीलिए मैं उन लोग जैसे करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स इट। सो इन दो कलर्स को प्लेस करने के बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इन कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे। अभी इसी सेम पैलेट में से ये जो गोल्डन कलर का शिमरी शेड है, हाइलाइटिंग शेड, इसको पिक करूँगी एंड मैं अपनी आईलिड्स के जस्ट मिडल में इसको इस तरह से पैटिंग मोशन में प्लेस कर दूँगी एंड इसी सेम गोल्डन कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी प्लेस करूँगी। लोअर लैश लाइन के मिडल से लेके एकदम आउटर कॉर्नर तक प्लेस कर दूँगी। ओके, नाउ मैं लाइनर अप्लाई करूँगी एंड लाइनर के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का 925 लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इस लाइनर को एक आईलाइनर ब्रश से अप्लाई करूँगी क्योंकि ये ब्रश बहुत ही थीन है, इसीलिए आई एम यूजिंग दिस वन। एंड कोरियन लोग जिस तरीके से आईलाइनर अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्चुअली उन लोगों का आईलाइनर नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग प्रॉपर विंग बनाते हैं वो लोग उस तरीके से विंग नहीं बनाते हैं, उन लोगों का आईलाइनर नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, तो मैं उसी स्टाइल से आईलाइनर ड्रॉ की हूँ। सो इसके बाद मैं अपनी लैशेस को कर्ल करके मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। कोरियंस लोग ऐसा जितना फॉल्सीज अप्लाई नहीं करते हैं, मैं जितना तक देखी हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ पे कोई भी फॉल्सीज अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। एंड कोरियन लोगों का जो लैशेस होता है वो काफ़ी स्ट्रेट टाइप का होता है, सो इसीलिए मैं उस तरीके से मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा भी लैशेज स्ट्रेट दिखे एंड लंबा दिखे। इसके बाद मैं ब्लशर अप्लाई करूँगी एंड ब्लशर के लिए मैं वही सेम मार्स का ब्लशर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उस पैलेट में से जो कोरल कलर का पिंक ब्लशर है उसे मैं पिक करके इस तरह से अपनी चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी एंड चीक्स के साथ साथ मैं अपनी नोज़ पर भी उस ब्लशर को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि कोरियंस लोगों का जो नोज़ होता है वो भी थोड़ा सा पिंकी पिंकी होता है एंड वो लोग ब्लशर कुछ हेवीली अप्लाई करते हैं। सो मैं भी यहाँ पे ब्लशर को हेवीली अप्लाई की हूँ जस्ट टू फॉलो देयर स्टाइल। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे सिवाना कलर्स का ये 3-in-1 पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इस पैलेट में से जो हाइलाइटिंग शेड है उसको पिक करके मैं अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी एंड उसी सेम हाइलाइटर से मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। कोरियंस लोगों का स्किन बहुत ही सुंदर होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ ग्लास लाइक स्किन होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हाइलाइटर कुछ ज़्यादा ही अप्लाई की हूँ ताकि मेरा भी स्किन ग्लोई लगे। अभी इस पैलेट में से ये जो कॉन्टोरिंग शेड है इसको मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको पिक करके मैं अपनी लिप्स के यहाँ पे, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा लिप्स थोड़ा सा पफ़ी लगे एंड एकदम कोरियन लोगों का जो लिप्स होता है उस तरीके से लगे। मैं जस्ट कोशिश कर रही हूँ। सो या एंड देन मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, कलर एसेंस का लिपस्टिक इन द शेड डिज़ायर, ये रेड लिपस्टिक है।
एंड कोरियंस लोग कुछ इस तरीके से लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं, इनर लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, तो मैं भी कुछ इस तरीके से ही लिपस्टिक को अप्लाई की हूँ। एंड बाकी का लिप्स में मैं ब्यूटी ब्लेंडर से जो फाउंडेशन था उसको डैब डैब कर ली हूँ ताकि लिपस्टिक उन लोग की तरह लगे। एंड ये जो चीज़ मैं कॉन्टोरिंग शेड के साथ अपने लिप्स पर कर रही हूँ इट्स जस्ट बिकॉज टू मेक माई लिप्स प्रोमिनेंट लाइक कोरियन पीपल। सो माई मेकअप इज़ डन नाउ एंड हियर इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक। मैं यहाँ पे जस्ट कोशिश की हूँ कोरियन लोग जैसे मेकअप करने की एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये कोशिश पसंद आएगा। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।